दोस्तों आईपीएल का सीधा प्रसारण किस चैनल के ऊपर लाइव होने वाला है, और दोस्तों आईपीएल की तरफ से सबसे बड़ी खबर 19 दिसंबर को दोस्तों आईपीएल में क्या होने वाला है। तो 19 दिसंबर को दोस्तों आईपीएल का 2020 का नीलामी होने वाली है। तो 19 दिसंबर 2019 को यहाँ पे आईपीएल 2020 का नीलामी होने वाला है। तो इसमें दोस्तों बहुत सारे खिलाड़ियों का उलटफेर हो सकता है। सो दोस्तों मैं वैभव आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों टेक्निकल इंडिया यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला आईपीएल 2020 के लिए खिलाड़ियों की जो नीलामी होने वाली दोस्तों ये 19 दिसंबर कोलकाता में होने वाली है। तो इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ये जो नीलामी होने वाली है इसमें दोस्तों बहुत सारे टीमें वो अपने प्लेयर को रिटर्न कर सकते हो, रिलीज कर सकते हो। तो इसमें आईपीएल 2019 में पूरी टीमों ने अपने खिलाड़ियों के लिए लगभग 82 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे लगाए थे, लेकिन दोस्तों अभी आईपीएल 20 के लिए इस धनराशि को ज़्यादा करते हुए 85 करोड़ रुपीज़ कर चुके हैं। तो आज मैं दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आईपीएल 2020 यहाँ पे आप किस किस चैनल के ऊपर लाइव देख सकते हो। जैसे कि दोस्तों आप स्टारपोर्ट के नेटवर्क के ऊपर लाइव देखने वाले आईपीएल 2020, उसके साथ साथ अगर आपको मोबाइल पर देखना है तो आप हॉटस्टार के ऊपर देख सकते हो, ये भी स्टारपोर्ट का एप्लीकेशन है, इसके ऊपर आप सीधा प्रसारण देख सकते हो। तो अभी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों आईपीएल 20 के लिए जो आगे आने वाले एक्शन 19 दिसंबर को, तो इसमें दोस्तों ये जो एक्शन होने वाला है ये भी आप देख सकते हो दोस्तों स्टारपोर्ट का नेटवर्क के ऊपर। तो इसमें आप देखेंगे दोस्तों तो ये जो पूरी टीमों ने अपनी जो शेष राशि रखी है आईपीएल 2020 के लिए जो नीलामी होने वाली है 19 दिसंबर को, इसमें दोस्तों आप देखेंगे तो जो यहाँ पे पहली टीम है दोस्तों चेन्नई सुपर किंग, तो उन्होंने यहाँ पे 14 करोड़ 60 लाख का यहाँ पे उन्होंने अभी उनका बजट बचा हुआ है। उसके बाद दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के बाद दोस्तों 27 करोड़ का बजट है। उसके केकेआर के पास की बात करें दोस्तों तो केकेआर का यहाँ पे 35 करोड़ का बजट है। उसके बाद किंग्स इलेवन की बात करें तो 42 करोड़ से यहाँ पे बचे हैं, सबसे ज़्यादा पैसे किंग्स इलेवन के पास ही बचे हैं। तो किंग्स इलेवन ज़्यादा अच्छा प्लेयर खरीद सकता है। मुंबई इंडियंस की बात करें तो मुंबई इंडियंस के पास 13 करोड़ रुपीज़ बचे हुए हैं। आरसीबी की बात करें तो यहाँ पे आरसीबी के पास 27 करोड़ बचे हैं। सनराइजर्स की बात करें हैदराबाद की तो यहाँ पे 17 करोड़ बचे हैं। उसके साथ साथ राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों राजस्थान के पास यहाँ पे 28 करोड़ रुपीज़ बचे हुए हैं। तो इस तरह से दोस्तों अभी देखने वाली बात है कि यहाँ पे कौन से प्लेयरों की यहाँ पे अच्छी नीलामी होती है, जैसे कि यूट्यूब फोसान हो, युवराज सिंह हो, राहुल त्रिपाठी हो, पीयूष चावला है, उसके साथ साथ मोहित शर्मा भी, उनके ऊपर काफ़ी अच्छी नज़र रहने वाली है क्योंकि ये काफ़ी अच्छे प्लेयर थे और अभी ये शायद उनका नीलामी होने वाली है। उसके बाद दोस्तों बाहर की टीमों की बात करें तो आप एक क्रिस गेल होगा, उसके बाद जेसन रॉय होगा, एंड्रू फेस होगा, फिर बात करें तो आप डिविल मिरर और मिचेल मार्क, इनके ऊपर भी काफ़ी अच्छी नज़र रहने वाली है क्योंकि ये जो दोस्तों विदेशी खिलाड़ी है वो भी काफ़ी अच्छे खिलाड़ी है और उनको भी अपनी टीमों ने रिलीज़ किया है। तो इनके ऊपर भी दोस्तों खरीदने के लिए आईपीएल की टीमों ने काफ़ी यहाँ पे झूठ मचने वाली है। तो देखते हैं दोस्तों 19 दिसंबर को क्या होता है आईपीएल 2020 का नीलामी में, कौन से टीम कौन से प्लेयर को खरीदते हैं, इसके बारे में दोस्तों जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। उसके साथ साथ मैं आगे आने वाले अपडेट के बारे में आपको देता रहूँगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद है तो आप शो लाइक जरूर कीजिए, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों मैं वैभव आपको मिलता हूँ किसी नए अपडेट साथ, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच।